एसिडिटी की समस्या इन दिनों आम हो गई है। पेट में जब सामान्य से अधिक मात्रा में एसिड निकलता है तो उसे एसिडिटी कहते हैं, और जब एसिडिटी तेज़ होने लग जाती है तो हमें सीने में जलन का एहसास होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ घरेलू उपाय जिन्हें अपनाकर एसिडिटी से छुटकारा पाया जा सकता है। एसिडिटी होने पर एंजाइम से भरे अनानास का रस का सेवन करें। खाने के बाद अगर आपको पेट अधिक भरा व भारी महसूस हो रहा है तो आधा ग्लास अनानास का ताज़ा रस पीने से सारी बेचैनी और एसिडिटी खत्म हो जाती है। काली मिर्च और नींबू का एसिडिटी में प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। एसिडिटी में एक ग्लास गुनगुने पानी में चुटकी भर काली मिर्च का चूर्ण तथा आधा नींबू निचोड़कर नियमित रूप से सुबह पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट साफ रहता है और एसिडिटी में फ़ायदा होता है। अमरूद का सेवन कब्ज़ और एसिडिटी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में मौजूद वाइटमिन, फाइबर व मिनरल स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। अमरूद में पाया जाने वाला फाइबर कब्ज़ को दूर करता है। जामुन में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और इसके बीच में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। मौसम के अनुरूप इसका सेवन औषधि के रूप में करना चाहिए। इसका सेवन पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पेट के रोगों में आराम देता है। खाली पेट जामुन खाने से गैस व एसिडिटी की समस्या समाप्त हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से एसिडिटी हो रही है तो आप ठंडे दूध का सेवन करें। कैल्शियम से भरपूर एक ग्लास दूध एसिडिटी की समस्या को दूर करने में सहायक होता है। साथ ही कैल्शियम युक्त एंटी एसिड टैबलेट और कैल्शियम एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। तो ये थे 5 घरेलू उपाय जिनके सेवन से आपको एसिडिटी में राहत मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।